हमारे नागरिक तैरकर उस पार आ रहे हैं। भूख का पूरा, साहस का पूरा, और प्रशासन ने तीव्र गति से उनके लिए टारपोलिंग का घर बनाकर वहां अन्न और खान पान की व्यवस्था की। तो ये एक साधारण बाढ़ नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ये एक प्राकृतिक विपत्ता के रूप में हमारे संभाग को अपनी चपेट में ले गई। अजीब स्थिति है, कभी तो इंद्र देवता का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र में बड़े विलंब से आता है, और कभी इंद्र देवता का इतना आशीर्वाद रहता है कि बाढ़ में वो परिवर्तित हो जाता है। मैंने जो जायजा लिया है, प्रशासन से भी मेरी चर्चा हुई है, 4,600 हेक्टेयर प्रभावित हुए हैं, 8,500 किसान प्रभावित हुए हैं, और अधिकांश गांव में मैंने प्रशासन को भी कह दिया है कि सर्वे करने की जरूरत नहीं है, कि क्योंकि फसल का नामो निशान ही नहीं है, पूरा तालाब ही बन गया। कोई 40, 50, 60, 70, 80, 90 नहीं, 100% नुकसान हो चुका। जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर मैंने भेजने को कहा है प्रशासन को, कलेक्टर साहब ने भेज भी दिया है, और भोपाल में मेरी प्रशासन और मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। मैंने कहा है सख्ती से कि जल्द से जल्द मुआवजा राशि मेरे अन्नदाताओं के हाथ में पहुंचना चाहिए। जिस हथेली में बाजरा की फली, सोया की फली मालवा में, यहां तिल, मूंग, वहां उड़द, मक्का, निमाड़ में कपास, जो हथेली में आने वाली थी, आज जो मेरा किसान का हाथ में केवल मिट्टी रह गई है, उस हथेली में मुआवजा राशि देकर किसान का ढाढ़स बढ़ाने की जरूरत। मैंने ये भी कहा है कि जिन सरकारी एवं निजी कंपनियों के द्वारा बीमा राशि आपके खाते से काटा जाता है, ठीक उसी तरह उन बीमा कंपनियों के द्वारा आपके खाते में बीमा की मुआवजा राशि डाली जाती है। और मैंने यह भी कहा है, प्रदेश सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, बीमा कंपनियों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और जो मध्य प्रदेश ने पैकेज भेजा है केंद्र सरकार को, 10,000 करोड़ का पैकेज केंद्र आपदा कोष से, वह राशि भी जल्द से जल्द केंद्र सरकार को मंजूर करा के मध्य प्रदेश में भेजना होगा, ताकि मेरे अन्नदाता और मेरे परिजनों के हाथों में पहुंच पाए। इस आपदा में कोई राजनीतिक रंग नहीं दे के देखा जाना चाहिए, ये मेरे अन्नदाता का मामला है, मेरे परिजनों का मामला है,
चाहे यहाँ की सरकार हो, चाहे वहां की सरकार हो, चाहे कहीं भी की सरकार हो, साथ में मिलके जनता की सेवा के लिए तत्पर होकर हाथ में हाथ लगाकर कार्य करना होगा। मैं प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहा हूं कि जो केंद्र आपदा कोष है, जब मैं सरकार में था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्षेत्र में सूखा आया था, ओलावृष्टि हुई थी, उस समय एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार 2000 करोड़ रुपया हमने केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को भेजा था ताकि अन्नदाताओं की रखवाली हो पाए। आज वही एक दायित्व, वही एक जिम्मेदारी केंद्र सरकार को अदा करना होगा। तो मेरे तीन मांग है, एक तो मुआवजा राशि प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग से जल्द आपके यहां पहुंचे नियम अनुसार। दूसरा, बीमा कंपनियों को निर्देशित किया जाए कि बीमा की राशि आपको पहुंच पाए। तीसरी बात कि केंद्र सरकार से भी मुआवजा राशि मध्य प्रदेश को मिले ताकि किसानों की हथेली में राशि पहुंच पाए। और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं, अशोकनगर जिले का मेरा दौरा हुआ है, मंदसौर नीमच रतलाम का मेरा दौरा हुआ है, उज्जैन तक। कल रात को ट्रेन में बैठकर 7 बजे सुबह मैं ग्वालियर पहुंचा हूं, और आज मुरैना और भिंड का मेरा दौरा हुआ है। आप ये विश्वास रखना कि सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ खड़ा हुआ है इस दुखद घड़ी में, और मैं जान रहा हूं कि आप पे क्या बीत रही है। खेत और खलियान का निरीक्षण मैंने स्वयं किया है, किस तरह कीचड़ और दलदल में फसल और मेरी जनता फंस चुकी है वो मैंने स्वतः ही देखा है। जितने वर्षा में आप भीगे हो, जितने कीचड़ में आप घूमे हो, उतने ही वर्षा में मैं भीगा हूं, उतना ही कीचड़ में आज मैं घूमा हूं आपके साथ। और ये विश्वास रखना कि आपके सुख के घड़ी में मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन ऐसे दुख का समय आता है तो आपके साथ मैं खड़ा हूं और आपकी लड़ाई भी मैं लड़ूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।